भवस कॉलेज जो है उसमें एस पी जैन ऑडिटोरियम है, वहाँ पर 6 तारीख को 6:30 बजे गज़ल की मेरी कंसर्ट है जिसका नाम है गज़ल रंग। उसमें मेरी गज़लों की शाम है जिसमें मैं गज़ल गाऊंगा, और उस शाम की ख़ास बात यह है कि उस शाम को मेरा एल्बम भी रिलीज़ हो रहा है और उस शाम का नाम भी गज़ल रंग है, मतलब गज़ल के मुख्तलिफ रंग, द कलर्स ऑफ गज़ल्स। और उस शाम की एक ख़ास बात यह भी है कि मेरी एक नई एल्बम रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है तेरी आँखें। मेरी इससे पहले भी करीबन 15 से ज़्यादा एल्बम्स रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन ये गज़ल की एल्बम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी बहुत पसंदीदा एल्बम है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस एल्बम को लेकर, क्योंकि इसमें एक तो कॉम्पोजिशंस और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है, और खुदा के शुक्र से गायकी भी ठीक ठाक हो गई है, और उसमें बहुत खूबसूरत शायरी भी है जो इंशाल्लाह सुनने वालों को पसंद आएगी। तो 6 मई को जो शाम है वो इस एल्बम की रिलीज़ भी हो रही है, और उस शाम को मेरा कंसर्ट भी है जिसमें उस एल्बम की भी गज़लें गाने वाला हूँ और कुछ और गज़लें भी गाने वाला हूँ। तो किस तरह की खास तैयारी की जा रही है इस मई के लिए? देखिए, तैयारी तो फ़नकार के लिए हर रोज़ का रियाज़ होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब कंसर्ट होने वाली होती है या जहाँ भी हम लोग परफॉर्म करने वाले होते हैं उससे पहले रियाज़ उस पर्टिकुलर कंसर्ट को लेकर होता है, तो रियाज़ बखूबी जारी है। जो भी इस गज़ल एल्बम में जो गज़लें हैं वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ, और कुछ और मेरी मशहूर गज़लें हैं वो मैं इंशाल्लाह उस शाम को पेश कर रहा हूँ। और ख़ास बात यह है कि उस शाम को हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ तशरीफ़ ला रही हैं। उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब शान आ रहे हैं, हरिहरन साहब आ रहे हैं, दिलीप सेन साहब आ रहे हैं, चंदन दास जी आ रहे हैं, काफ़ी मशहूर मशहूर उस शाम को कुलदीप सिंह जी आ रहे हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, काफ़ी बड़े बड़े फ़नकार उस शाम को आ रहे हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए उस एल्बम को रिलीज़ करने के सिलसिले में। तो अगर आप हमारे साथ और किसी को गज़ल ना सुने तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, तो हम चाहेंगे कि आप एक दो लाइन होंगे। ज़रूर, मैं इस एल्बम की ही एक गज़ल आपको जो मेरे दिल के बेहद करीब है वो आपको पेश कर रहा हूँ। गजल है ये, और जो सैल्बम की बहुत पसंदीदा गजल है मेरी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना
बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। शुक्रिया। जब एल्बम का एक सॉन्ग ही इतना अच्छा है तो पूरा एल्बम सुनने के लिए तो लोग बहुत ही बेताब होंगे, तो मतलब ये जिस तरह से एक सॉन्ग हमने सुना है तो क्या पूरे एल्बम में इसी तरह के सॉन्ग सुने? बिल्कुल, इस एल्बम में 8 चीज़ें हैं जो जिसमें से 7 गज़लें हैं और एक पंजाबी नगमा है। और पंजाबी नगमा मेरी बहुत अजीज़ दोस्त हैं मलेशिया में, जगदीश कौर साहिबा, उनका नगमा है वो पंजाबी, थोड़ा सा अलग फ्लेवर का है लेकिन आपको पसंद आएगा, बड़ी मिठास लिए हुए। और बाकी जो गज़लें हैं उसमें बहुत मशहूर शायर हैं, अहमद फराज़ हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, हसन काजमी साहब हैं, हसन कमाल साहब हैं, सब एक से एक बेहतर शायर हैं। जी आज हम बात कर रहे हैं, अगर सिंगर की बात की जाती है तो अभी जल्द में